हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आज बच्चों हम क्लास ट्वेल्थ के लिए हम आपको करेक्टर स्केच ऑफ एम हिमल फ्रॉम द लेसन, पहला ही लेसन आपका द लास्ट लेसन। तो आपका जो पहला लेसन है उसी का हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच एम हिमल का करेक्टर स्केच है उसे हम बता रहे हैं। और किसी भी लेसन का कोई भी करेक्टर स्केच हो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाता है। आपकी लिटरेचर में करेक्टर स्केच का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, क्योंकि आपको अगर करेक्टर स्केच याद है, अगर तैयार है, तो आप कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन आप आए उसमें से बहुत बड़ी बिग हेल्प आपको मिलती है। तो मैं आपको इसके लिए इसकी वैल्यू बताई मैंने, और अब आपको मैं इसकी हिंदी के साथ एम एम एल का क्या रोल है इस लेसन में, वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आज आपको मैं बता रहा हूँ। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप वीडियो को, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अगर आपको पसंद आता है तो। और आपके लिए मैं टाइम टू टाइम इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूं और भेजता रहता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, द करेक्टर स्केच ऑफ एम हिमल फ्रॉम द लास्ट लेसन। देखिए, एम हिमल इज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में क्या थे, वो एक फ्रेंच भाषा के टीचर थे। कौन? एम हिमल ट्रेडिशनल टीचर हैं वो बच्चों। एम हिमल इज ए ट्रेडिशनल टीचर हैं, ट्रेडिशनल टीचर हैं। ही ऑलवेज कीप्स ए रूलर इन हिज आर्म। वो हमेशा अपने हाथ में एक स्केल रखते हैं, रूलर रखते हैं। ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन टीचर। वह बहुत ही एक ही सख्त और अनुशासन वाले अध्यापक हैं। हिज स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ हिम। उसके उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनसे हमेशा भयभीत रहते हैं। मैनी लेजी स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड। बहुत से आलसी छात्र जैसे फ्रेंड जो पढ़ता था उनके स्कूल में, आई अफ्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड बाई हिम। और वह उनसे बहुत ज़्यादा क्या रहता है, भयभीत रहता है। अब आते हैं बच्चों, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट टीचर। बहुत ही अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं और ऑनेस्ट टीचर हैं, ईमानदार अध्यापक हैं। एम एम एल इज ए डेडिकेटेड टुवार्ड्स हिज प्रोफेशन। एम एम एल जो है अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी टीचिंग के लिए के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, लगन से पढ़ाते हैं। ही लव्स हिज प्रोफेशन विद हार्ट एंड सोल। वह अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को बहुत ही दिल से चाहते हैं। ही हैज ए डीप रिस्पेक्ट फॉर हिज मदर टंग। वह अपनी मातृभाषा के लिए भी बहुत ही उनका सम्मान है। एंड फ्रेंच, कौन सी मातृभाषा थी उनकी? फ्रेंच भाषा थी। ही इज अ ट्रू फ्रेंचमैन। वह एक सच्चे फ्रांसीसी व्यक्ति हैं। ही इज एन ऑनेस्ट टीचर। वह एक बहुत ही ईमानदार टीचर भी हैं। ही डज नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट फॉर पुअर लर्निंग। वह अपने छात्रों को कभी भी दोष नहीं देते उनकी खराब लर्निंग, खराब परफॉर्मेंस के लिए। ही फील सॉरी फॉर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्रीमैन। उन्हें बहुत दुख है कि वह अपने देशवासियों के लिए अच्छी तरह से जो प्रयास कर रहे थे फ्रेंच भाषा को सिखाने का, उसमें वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, तो उनके लिए बहुत दुख होगा। वो ये बात सोचते थे कि अगर मैंने फ्रेंच भाषा को, अपने देश की भाषा को इन गांव वालों के व्यक्तियों को या बच्चों को नहीं सिखाया तो मुझे बहुत ही दुख होगा। ऑन इट्स लास्ट डे, यहाँ तक कि अंतिम दिन जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे स्कूल में फ्रेंच भाषा का, ही टीचेस विद ग्रेट जील एंड जस्ट। फिर भी उन्होंने बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ वो पढ़ाते हैं बच्चों को और अपना इम्पोर्टेंट बताते हैं कि फ्रेंच भाषा की हमारे देश में क्या जरूरत है। एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं बच्चों। ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर हैं वो। ही हैज बीन टीचिंग इन द विलेज स्कूल फॉर 40 इयर्स। वह गांव के इस स्कूल में, अलास्का वाले स्कूलों में जो 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट। वह प्राइमरी एजुकेशन में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और ही इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल इन द विलेज। और उनका गांव में सभी लोग बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं। ए ग्रेट पेट्रियट। आपका आता है लास्ट में, अगला लास्ट हेडिंग है। हेडिंग के साथ सभी बच्चे करेक्टर स्केच को लिखें। मैंने अपने वीडियोज में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो डाले हैं सभी में मैंने हेडिंग डाला है। हेडिंग के साथ आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। तो लास्ट का है ए ग्रेट पैट्रियट, एक महान देशभक्त हैं। ही इज ए ग्रेट पैट्रियट हैं वो।
पैट्रियट बच्चों कहते हैं देशभक्त को, ही लव्स हिज नेशन, वो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, फ्रांस से एंड मदर टंग, और फ्रांसीसी भाषा से मदर टंग से भी बहुत प्रेम करते हैं। ही कॉल्स फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ तक उन्होंने चैप्टर में ये भी कहा है अंतिम दिन कि फ्रांस की जो लैंग्वेज है, फ्रांस की जो भाषा है, फ्रांसीसी भाषा, ये संसार की सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट, स्पष्ट बोलने वाली और यहाँ तक कि लॉजिकल लैंग्वेज है जो संसार में बोली जाती है। इसलिए हमें वी आर प्राउड ऑफ अवर फ्रेंच लैंग्वेज, हमको अपने फ्रेंच लैंग्वेज पर गर्व करना चाहिए। तो अंतिम दिन पर भी बहुत ही सारे गांव वाले जो होते हैं व्यक्ति, वो बहुत ही निराश होते हैं, बहुत ही हतोत्साहित होते हैं कि अब हमें ये नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आदेश आ गया था कि आपको आज अंतिम दिन ये आपको अपना चैप्टर क्लियर करना है, लेक्चर क्लियर करना है। तो बड़ा वो भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनका टच गांव वालों के साथ भी बहुत अच्छा था, गांव वाले बहुत प्रेम करते थे, बच्चे भी बहुत प्रेम करते थे, और अंतिम दिन यहाँ तक कि गांव वालों को जब पता पड़ा कि MML हमारे यहाँ से अब छोड़ करके जा रहे हैं, लास्ट लेसन है, तो गांव वाले भी आकर के पीछे की बैक बेंचेस पर बैठ करके उनके लेक्चर को सुनते हैं और बड़ा ही दुखी होते हैं। तो दिस वॉज माई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू राइट इन अ नीट एंड क्लीन वे। तो माई बेस्ट विशेज टू ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन, एंड माई लेक्चर इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में इंटरमीडिएट के लिए फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। हैव अ गुड डे।